बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि हमें अपने चैनल पर लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस एक साथ अपलोड करनी चाहिए या लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को इकट्ठा अपलोड करने से हमें क्या नुकसान होता है? कोई भी जब नया यूट्यूबर होता है तो उसके माइंड में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक कि उसने जल्द अज जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं और किसी न किसी इस तरीके से 4000 घंटा वाई टाइम भी पूरा करना है। 4000 वाई टाइम घंटा तो काफ़ी वो एक बड़ा टास्क होता है, इसलिए जो सबसे पहले उसका माइंड जाता है वो जाता है कि 1000 सब्सक्राइबर्स। तो 1000 सब्सक्राइबर्स को पूरे करने के लिए हर यूट्यूबर मुख्तलिफ तरीके अपनाता है, उसमें से कुछ तरीके तो इतने फेक और गलत और नुकसानदेह होते हैं कि सब्सक्राइबर बनाने के लिए कुछ तरीके ऐसे ऐसे ख़तरनाक होते हैं कि जो उसके चैनल के लिए भी बाद में इंतहाई ख़तरनाक साबित होते हैं। लेकिन क्योंकि शुरू में एक एक्सपीरियंस नहीं होता, नहीं पता होता नए यूट्यूबर को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो बस एक ही तगड़ो में लगा होता है, बस किसी तरीके से सब्सक्राइबर मेरी पूरी हो जाए। लेकिन सब्सक्राइबर को हासिल करते हुए बाज़ औक़ात वो ऐसे कुछ काम कर बैठता है कि जो उसके चैनल के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होते हैं, हत्ता कि इतने कि उसको उसका चैनल छोड़ना पड़ता है। सबसे ज़्यादा शुरू में व्यूज़ जिस चीज़ पर आते हैं वो है शॉर्ट वीडियोज़, जब व्यूज़ आपके बढ़ते हैं तो उसी पे आपके सब्सक्राइबर्स भी साथ साथ ही बढ़ने लगते हैं। तो इससे शुरू में एक नया सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह जब उसका चैनल कुछ ग्रो करने लगता है, व्यूज़ कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, सब्सक्राइबर्स भी कुछ आने लग जाते हैं, तो अचानक उसको ख्याल आता है हो मेरे व्यूज़ तो बढ़ गए लेकिन वाई टाइम नहीं बढ़ रहा। तो वाई टाइम को बढ़ाने के लिए वो एक तरीका करता है कि वो अचानक ही उधर लॉन्ग वीडियो अपलोड करना शुरू कर देता है। लेकिन लॉन्ग वीडियो अपलोड करने के बाद वो उसको कोई रिस्पांस नहीं मिलता उधर, उसमें व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो उसमें होता असल में ये है कि जो आपने इससे पहले ऑडियंस इकट्ठी की होती है उनको शॉर्ट वीडियोस ही देखने की आदत होती है, वो आपसे तो सिर्फ शॉर्ट वीडियोज़ की कार्य होते हैं, क्योंकि आपने तो उनको इस चीज़ की आदत डाली नहीं है कि उसको आप लॉन्ग वीडियो दिखा सकें। तो जब अचानक आप लॉन्ग वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देते हैं तो उधर व्यूज़ कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ फिर एक नया यूट्यूबर अचानक ही परेशान हो जाता है, ओहो यार ये क्या हो गया। तो अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल है तो आपने घबराना नहीं है, आपने अपनी मेहनत को जारी रखें। आप चाहे शुरू में आपकी लॉन्ग वीडियोज़ पर व्यूज़ कम आ रहे हैं, बल्कि होता ये है कि आपकी शॉर्ट वीडियोज़ भी उनकी भी व्यूज़ कम हो जाते हैं। शॉर्ट वीडियोस अपलोड करना शुरू करते हैं, उससे हमारा चैनल ग्रो करता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यू बढ़ते हैं, बल्कि बहुत तेज़ी से, कभी कभार तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अचानक ही जब कुछ ग्रोथ के बाद, लाजमी बात है कि हर यूट्यूबर का अगला टारगेट होता है कि वो वाइज टाइम को एक ऑर्गेनिक तरीके से, एक नेचुरल तरीके से पूरा करना। लेकिन जब वो उसके लिए लॉन्ग वीडियो अपलोड करना शुरू करता है तो फ़ौरन ही उसकी वो ऑडियंस रिटेंशन और व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स उधर ही ब्रेक लग जाती है। तो उस वक्त वो बहुत ही लम्हा फिक्रिया होता है कि अब हम आगे अपने चैनल को कैसे लेके बढ़ें। हत्ता कि एक टाइम ऐसा भी आता है कि बंदे को यूँ लगता है कि उसका चैनल अब इससे आगे नहीं बढ़ने वाला। तो ऐसी सूरत हाल में आपने घबराना नहीं है, अपने माइंड में शुरू से ये बात रखनी है कि आपने शॉर्ट वीडियोस भी वही देनी है जो आपका लॉन्ग वीडियोस का टॉपिक है। तो इसमें आपको ये आसानी होगी कि जब आप लॉन्ग वीडियोस देना शुरू करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऑडियंस उससे मानूस होना शुरू हो जाएगी। तो शुरू में आपकी लॉन्ग वीडियोस पे भी बहुत कम व्यूज़ आएंगे, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 16, 20 इतने आएंगे, लेकिन आपने उसको जारी रखना है, वो साथ उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता देते रहें, आपकी ओवरऑल व्यूज़ हैं वो भी कम हो जाएंगे। ओवरऑल कम होने के बाद भी आपने अपनी मेहनत को जारी रखना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऑडियंस को इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, दो शॉर्ट वीडियोस के बाद एक लॉन्ग वीडियो आ रही है। तो इस तरह आप रफ्ता रफ्ता वो आपका जो लॉन्ग वीडियोज़ है वो भी आपके चैनल में एडजस्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।